मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हर बच्चा बच्चा रहने के लिए आजाद हो, बड़ा और विकसित होने के लिए आजाद हो, खाने के लिए, सोने के लिए, दिन के उजाले देखने के लिए, हंसने और रोने के लिए, खेलने और सीखने के लिए, स्कूल जाने के लिए और खास तौर पर सपने देखने के लिए आजाद हो। दोस्तों, हिंदी दर्पण में आज हम बात करने जा रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में। इससे पहले मदर टेरेसा जी को भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी जी का जीवन हम सभी के लिए एक मिसाल है, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर हजारों मासूमों की आंखों को सपने देखने की आजादी दिलाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने मुख्य रूप से बाल मजदूरी के खिलाफ संघर्ष किया है और साथ ही साथ बच्चों को बेच देने जैसे कई अपराध के खिलाफ आवाज भी उठाई है, जिसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या बाल तस्करी भी कहा जाता है। वैसे तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर निगेटिव खबरें ही सुनते हैं, मगर हमें ऐसे लोगों के बारे में भी जरूर जानना चाहिए और बात करनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश के युवाओं और बच्चों को सही रोल मॉडल मिले, जिनके बारे में जानकर वो उनके जैसा बनने की कोशिश करें और अच्छे काम करने वालों का उत्साह बढ़ाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में शुरू से जानते हैं। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी जी का असली नाम कैलाश शर्मा है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ। उनके शहर में जाति व्यवस्था का विरोध करने के लिए एक आंदोलन हुआ था और बहुत सारे अपर कास्ट के लोगों ने उन लोगों के हाथ का बनाया खाना खाया था जिन्हें लोग अछूत मानते थे। खाना खाने वालों में ये भी शामिल थे। हालांकि वो आंदोलन बहुत सफल नहीं हो पाया था और जब वो घर वापस आए तो उन्हें कुछ लोगों ने धमकी दी कि अगर वो गंगा नहाकर अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तो उन्हें बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। उनसे 101 पंडितों को खाना खिलाकर उनके चरण धोकर पीने को कहा गया, जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके खाने के बर्तन अलग कर दिए गए और उन्हें अपनों के ही बीच में पराई की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा। वो इस जाति व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हैं। चूंकि लोगों के सरनेम से उनकी जाति का पता चलता है, उन्होंने अपना सरनेम बदलकर सत्यार्थी रख लिया, जिसका अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। उनके बचपन की एक और घटना उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण रही है। जब वो स्कूल में थे, उस समय स्कूल के ठीक बाहर उन्हीं की उम्र का एक लड़का अपने पिता के साथ मोची का काम कर रहा था। जब उन्होंने अपने हेडमास्टर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मोची बहुत गरीब है, इसलिए उनका लड़का स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता। हेडमास्टर के भी जवाब से जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो वो मोची के पास जाकर पूछे कि उनका लड़का पढ़ाई छोड़कर मोची का काम क्यों कर रहा है। तब मोची ने कहा कि कुछ बच्चे काम करने के लिए ही पैदा होते हैं। तब सत्यार्थी जी को लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों को अपनी आजादी, अपना बचपन और अपने सपने छोड़कर काम करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब घर में पैदा हुए। सत्यार्थी जी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक भोपाल के कॉलेज में लेक्चरर का काम किया। 1980 में 26 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हर बच्चे के सपनों को पूरा करने की कोशिश को ही अपना सपना बना लिया। उन्होंने उसी साल बचपन बचाओ आंदोलन का गठन किया। इस आंदोलन के जरिए ऐसे बच्चों का पता लगाया जाता है जो बहुत बुरी हालत में हैं और उन्हें आजाद करके उन्हें नया जीवन देने की कोशिश की जाती है। इस कोशिश के कारण अब तक 86,000 से ज्यादा बाल मजदूरी और बाल तस्करी के शिकार बच्चों को बचाकर उन्हें बेहतर जीवन दिया गया है। वो कई सारे ग्लोबल समाजसेवी संस्थाओं के मेंबर हैं। 1998 में उन्होंने बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व स्तरीय यात्रा निकाली थी, जिसमें 103 देशों में कुल मिलाकर 80,000 किलोमीटर की यात्रा की गई थी। उनकी मांग थी कई प्रकार के बाल मजदूरी के खिलाफ नियम बनाने की। उनकी सभी मांगों को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने 11 सितंबर 2017 को कन्याकुमारी से भारत यात्रा शुरू की, जो 35 डेज तक 24 राज्यों से होते हुए 12,000 किलोमीटर चली। इस यात्रा में 10 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इस यात्रा का लक्ष्य भारत में बच्चों से जुड़ी दो बड़ी समस्याओं के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। पहला, बच्चों का यौन शोषण और दूसरा, बच्चों की तस्करी। उनका ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहा दोस्तों, और कई बार उन्हें और उनके परिवार को धमकाया भी गया।
यहाँ तक कि एक बार उन्हें और उनके बेटे दोनों को घायल अवस्था में छोड़ दिया गया था और उनकी बेटी को धमकियां दी जा रही थीं, मगर वो बिना डरे अपना काम करते रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर एक बच्ची की जिंदगी को बचाने के बदले उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनके इन्हीं प्रयासों के लिए उन्हें दुनिया भर में जाना जाता है और कई देशों ने उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है। एक इंसान यदि दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले तो कितना बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकता है, इस बात का सजीव उदाहरण है कैलाश सत्यार्थी जी, जिनकी वजह से आज लाखों बच्चे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर करें, जिससे कि लोगों को भी इनके जीवन के बारे में पता चल सके। हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाते रहेंगे, जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी दर्पण को ये बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आपके छोटे से प्रयास से हमें प्रोत्साहन मिलता है।